ओम शांति। मनसा सेवा, मनोबल और मनसा सेवा, इस विषय पर याद और याद की शक्ति पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है योग की अग्नि को अविनाशी रखने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ। नंबर एक, हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए, जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। याद की यात्रा अर्थात ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर लगातार अपने में सुधार करना कि मुझे अपने में सुधार करना है, इस पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। ये डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो, जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ। स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा ये कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं ना, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना हो तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का ये टाइम याद का मुकर्रर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो। काम को आगे पीछे करो परंतु वो टाइम जो फिक्स किया है वो जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी, क्योंकि बार बार हम उसका अभ्यास कर रहे हैं तो वो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा, फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। ये बाबा ने 26 जनवरी 1971 को समझाया। नंबर दो, योग की अग्नि परमात्म याद इतनी तेज हो जैसे किसी को किसी से प्यार होता है, तो उसे कहा जाता है इसको तो उसकी आग लगी हुई है, अर्थात हर वक्त वो उसी का ही चिंतन करता रहता है। ऐसे ही आपको भी
परम पिता परमात्मा से प्यार हो गया है, उसकी आग हर वक्त आपको लगी हुई हो। प्यार होता ही तब है, प्यार का सबूत यही है कि प्यार की आग लगी हो। सोचो आपको प्यार किस से हुआ? परम पिता परम आत्मा से, तो उसकी आग कैसी लगनी चाहिए? इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, ये चारों बातों की रखवाली करनी पड़े। इस आग में, इन चारों में सिवाय ईश्वरीय आग के और किसी का एक संकल्प भी ना आए। चारों में केवल ईश्वरीय डायरेक्शन के अनुसार ही संकल्प आए। फिर ये अग्नि अविनाशी रहेगी, निरंतर रहेगी, बीच में कोई अंतर आने नहीं पाए। 27 जुलाई 1970 को ये बात परमपिता परमात्मा ने समझाई। ओम शांति।